कपिल ओबेरॉय ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि उनका बेटा इस कंडीशन में माही के अलावा किसी और औरत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर इस बात के चांसेस भी होते कि किसी दिन विक्रम मूव ऑन करने का फैसला करे और किसी और को एक्सेप्ट करने के लिए मान जाए, तो इसमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसके बारे में सोचते हुए कपिल ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं रंधावा परिवार के साथ ये रिश्ता जोड़ नहीं पाया, मगर इस सिचुएशन में मैं उन्हें किसी तरह से कंफ्यूजन में नहीं रख सकता और मुझे उन्हें एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। कपिल ओबेरॉय ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हम समधी नहीं बन सके तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुश्मन बन जाना चाहिए। मुझे किसी तरह दोनों परिवारों की दोस्ती कायम रखनी होगी। जैसे ही कपिल ओबेरॉय अपनी बात पूरी करने जा रहे थे, तभी अचानक उनका फोन बजने लगा, और जब कपिल ओबेरॉय ने देखा कि वो कॉल किसका था, तो वो काफी परेशान लगने लगे और उन्होंने कहा, अशोक का फोन है। अपने पति की बात सुनकर रुक्मिणी ओबेरॉय ने उनसे कहा, सोच समझ कर बात करना प्लीज। कपिल ओबेरॉय ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया और फिर उन्होंने फोन उठाकर कहा, हेलो अशोक। फोन के दूसरी तरफ से अशोक रंधावा की आवाज में गुस्सा दबा हुआ था और उन्होंने कहा, कपिल मैं समझ सकता हूं कि इस बार ओबेरॉय परिवार एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से निकला है। मुझे भी उस लड़की की कंडीशन के लिए बहुत बुरा लग रहा है, मगर उसके लिए कॉम्पनसेट करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं। ऐसे में तुम दो बच्चों की जिंदगी भर की खुशियों को सैक्रिफाइस तो नहीं कर सकते ना। जब अशोक रंधावा ने दो बच्चों के बारे में कहा, तो उनका मतलब रिया रंधावा और विक्रम ओबेरॉय से था। कपिल ओबेरॉय को उम्मीद थी कि अशोक रंधावा इस मामले में उन्हें कॉल जरूर करेगा, तो उन्होंने लाचार लगते हुए फोन पर अशोक रंधावा से कहा, मेरी बात सुनो अशोक, उस लड़की ने हमारे परिवार पर बहुत एहसान किए हैं। ऐसी सिचुएशन में हम विक्रम की शादी किसी और से नहीं करवा सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। हम उस लड़की को धोखा नहीं दे सकते, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। और तो और विक्रम भी उस लड़की को भुला नहीं सकता, और हम नहीं चाहते कि हम रिया का और वक्त बर्बाद करें। अशोक रंधावा ने कपिल ओबेरॉय के इस बर्ताव की उम्मीद बिल्कुल नहीं की, तो इसीलिए उनका गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने कहा, रिया का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते? तुमने पहले से ही उसका बहुत वक्त जाया कर लिया है। कपिल, तुमने मुझसे कहा था कि विक्रम उस लड़की के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है और इसकी वजह से रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुम चाहते थे कि विक्रम की शादी रिया से हो। जब हम इंडिया वापस लौटे तब रिया के लिए कई सारे अच्छे रिश्ते आए, मगर हमने सबको रिजेक्ट किया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था। उसके बाद क्या हुआ? हम इंतजार करते रहे, और अब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम उस दो कौड़ी की लड़की के लिए अपना वादा तोड़ना चाहते हो। कपिल, रिया को मैंने बड़े प्यार से पाला है, वो मेरे लिए बहुत खास है। जब से वो पैदा हुई है मैंने उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश की है, क्योंकि वो विक्रम से प्यार करती है और दोनों परिवारों के बीच काफी अच्छा रिश्ता है, तो इसीलिए मैंने विक्रम की जिंदगी में उस लड़की को लेकर ज्यादा कुछ नहीं कहा। यहां तक कि हमने बनी को अपना पोता माना। मगर तुम्हारे परिवार ने क्या किया? आखिर ओबेरॉय परिवार रंधावा परिवार को समझता क्या है? तुम लोग जब चाहे हमसे मिलने आ जाते हो और जब चाहे रिश्ता तोड़ देते हो। तुम्हें मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी ही होगी। क्योंकि कपिल ओबेरॉय ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि इस सिचुएशन में गलती उनकी थी, तो इसीलिए उन्होंने धीमी आवाज में फोन पर कहा, अशोक मैं मानता हूं कि हम लोगों ने जो किया वो बिल्कुल गलत था, मगर इसमें विक्रम की कोई भी गलती नहीं है। जो कुछ भी गलत हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ, और इसका जो कुछ भी नतीजा होगा उसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। और मगर इससे पहले कि कपिल ओबेरॉय अपनी बात पूरी कर पाते, विक्रम ओबेरॉय ने उन्हें अचानक रोक लिया और उसने कहा, मैं मिस्टर रंधावा से बात करना चाहता हूं।
विक्रम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर कपिल थोड़े से हिचकिचाने लगे, मगर फिर भी उन्होंने विक्रम को अपना फोन दे दिया। विक्रम ओबेरॉय ने अपने पापा के हाथ से फोन लेते हुए कहा, हेलो मिस्टर रंधावा। जब अशोक रंधावा ने विक्रम को उन्हें इस तरह पुकारते हुए सुना तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा, विक्रम तुम सच में बहुत ही अच्छे बच्चे हो, अब तो तुम मुझे अंकल भी नहीं बुला रहे। हालांकि अशोक रंधावा विक्रम की डांट लगा रहे थे, मगर विक्रम के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला और उसने फोन पर कहा, इस हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर एक गेस्ट रूम है, आप वहां आकर मुझसे मिलिए, मैं आपको वहां पर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा मिस्टर रंधावा। विक्रम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर अशोक रंधावा मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा, तुम सच में बहुत सिंसियर हो, तुम मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो और मेरे पास आ भी नहीं रहे हो, बल्कि ये चाहते हो कि मैं हॉस्पिटल आकर तुमसे मिलूं। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, मैं देखना चाहता हूं कि ओबेरॉय परिवार मुझे कैसी एक्सप्लेनेशन देगा। फोन कॉल पूरी होने के बाद रुक्मिणी ओबेरॉय परेशान लगते हुए अपने बेटे के पास गईं और उन्होंने पूछा, विक्रम बेटा तुम क्या करने वाले हो? तभी अचानक प्रेम ओबेरॉय कमरे से बाहर निकला और उसने अपनी मां की पीठ थपथपाते हुए कहा, मां आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास दो हैंडसम और इंटेलिजेंट बेटे हैं, क्या ऐसे में आपको सच में परेशान होने की कोई जरूरत है? अब आप बस इंतजार कीजिए और देखो क्या होता है। अपने बेटे प्रेम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर रुक्मिणी ओबेरॉय ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो क्या होता है का क्या मतलब है, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। प्रेम ओबेरॉय ने अपनी मां की तरफ देखकर कहा, मैं कौन सी होशियारी दिखा रहा हूं, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो कम से कम भैया पर तो भरोसा करो, आप दोनों को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप दोनों गेस्ट रूम पर आ जाना। रुक्मिणी ओबेरॉय और कपिल ओबेरॉय एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके दोनों बेटों ने क्या तैयारी की है, मगर उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि विक्रम ज्यादा डिप्रेस्ड नहीं था और वो इस मैटर को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार था। बनी माही के साथ वार्ड के अंदर था और एनी दोनों का ख्याल रख रही थी। कपिल ओबेरॉय, रुक्मिणी ओबेरॉय, विक्रम ओबेरॉय और प्रेम ओबेरॉय रंधावा परिवार के साथ मीटिंग की तैयारी कर रहे थे। करीब आधे घंटे के बाद पूरा रंधावा परिवार हॉस्पिटल के उस गेस्ट रूम में आ गया। रिया ने एक एक करके सबकी तरफ देखकर कहा, हेलो कपिल अंकल, रुक्मिणी आंटी, हेलो प्रेम। फिर रिया ने हिचकिचाकर विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखा और उसने कहा, हाय विक्रम। जब मिसेज रंधावा ने विक्रम ओबेरॉय का खड़ूस रिएक्शन देखा तो वो काफी अपसेट लगने लगी और उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ रिया, इस लड़के से अच्छी तरह से बात करके क्या होगा, इस पर तो किसी दो कौड़ी की लड़की का जादू चल गया है और उसे खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। अपनी बात पूरी करने के बाद मिसेज रंधावा ने नोटिस किया कि विक्रम उनकी तरफ घूरकर देख रहा था। हालांकि सब जानते थे कि वो लोग वहां क्या कर रहे थे, मगर इसके बावजूद भी मिसेज रंधावा काफी प्रेशराइज्ड महसूस करने लगी और उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था। मिसेज रंधावा ने तुरंत अपने बोलने का तरीका बदलते हुए कहा, विक्रम मेरी राय मानो, मैंने तुम बच्चों से ज्यादा दुनिया देखी है और इसीलिए मेरा पर्सपेक्टिव तुम लोगों से कई ज्यादा क्लियर है, जरा उस लड़की की तरफ देखो और फिर मेरी बेटी की तरफ देखो, रिया बचपन से ही हमारे घर की प्रिंसेस रही है और उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी और उसका टैलेंट बेहतरीन है, रिया प्यारी है और काफी काइंड है, और तो और तुम्हारे पेरेंट्स उसे बचपन से देखते हुए आए हैं, वो समझते हैं कि। जब मिसेस ओबेरॉय अपनी बेटी की तारीफ किए जा रही थी और जब उन्होंने कहा कि कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय रिया से काफी सेटिस्फाइड थे, तो इस पॉइंट पर वो दोनों अपने चेहरे पर गिल्ट छुपा नहीं पा रहे थे। जब अशोक रंधावा ने कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय के चेहरे पर गिल्टी एक्सप्रेशन देखा तो उन्होंने बात बढ़ाते हुए कहा,
उस औरत ने तो बनी की जान इत्तेफाक से बचाई। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग उस लड़की को किसी तरह कॉम्पनसेट करना चाहते हो, और ये बात मैंने फोन पर भी कही कि कॉम्पनसेट करने के कई सारे तरीके होते हैं, मगर विक्रम का ऐसी लड़की से शादी करना, और ऐसी लड़की से मेरा मतलब ये नहीं है कि उसकी कंडीशन इस वक्त फिजिकली इतनी खराब है, मेरा मतलब यह है कि उस लड़की का रेप्यूटेशन काफी खराब है। जैसे कि पिछली बार उसका जो स्कैंडल एक्सपोज हुआ था, वो वीडियो इंटरनेट पर हर जगह वायरल हो गई थी। ये वाकई में बेहद शर्मनाक है। आखिर ओबेरॉय परिवार की बड़ी बहू वो कैसे बन सकती है? अशोक रंधावा की ये बात सुनकर रुक्मिणी ओबेरॉय ने नाराज लगते हुए कहा, मैंने उसके बारे में ऑनलाइन पता लगाया था और वो मैटर बाद में क्लैरिफाई हो चुका था। माही को फ्रेम किया गया था। वो दरअसल कोई दूसरी सेलिब्रिटी थी जिसने माही जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। इस पॉइंट पर राज रंधावा ने कहा, रुक्मिणी आंटी, जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। हो सकता है कि उस औरत के अपने कोई इश्यूज होंगे, और जरूरी नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर न्यूज को नोटिस करो, मगर मैं जानता हूं कि इस औरत की रेपुटेशन वाकई में बहुत खराब है। हर दूसरे दिन उसके नाम से एक नया स्कैंडल निकलता है, और उससे नफरत करने वाले लोग हर जगह बातें करते रहते हैं। हम जैसे इंपॉर्टेंट स्टेटस वाले मर्द के लिए ये बात कॉमन है कि हम ऐसी लड़कियों को अपने टाइम पास के लिए रखें, मगर ऐसी लड़कियों के साथ शादी करना काफी इनअप्रोप्रिएट होगा। ऐसे में अगर विक्रम ने उस लड़की से शादी कर भी ली तो मुझे डर है कि आपको हर जगह से ताने सुनने पड़ेंगे, लोगों के मजाक का टॉपिक बन जाओगे, और आपके कंपनी के स्टॉक्स की वैल्यू बुरी तरह से गिर जाएंगी। इस पॉइंट पर कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी अलग लगने लगा। हालांकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि राज के कहे शब्द काफी अनप्लेजेंट थे, मगर वो बिल्कुल सच थे, और क्योंकि माही ने बनी की जान बचाई थी तो इसीलिए वो ये सब भुगतने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जब मिसेज रंधावा ने कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय का ऐसा रिएक्शन देखा तो वो काफी खुश लगने लगी, और उन्होंने कहा, हमारी बेटी रिया विक्रम की बहुत इज्जत करती है और उससे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि विक्रम का एक नाजायज बच्चा है। इनफैक्ट रिया बनी की बहुत परवाह करती है। आप लोगों को क्या लगता है कि रिया साइकोलॉजी और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रही है? वो तो ये सब बनी के लिए कर रही है, मगर इसके बदले में विक्रम ने उसे कैसे ट्रीट किया? उसने रिया के हर एफर्ट्स को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, और उसने एक दो कौड़ी की एक्ट्रेस के लिए मेरी बेटी को इंसल्ट किया। ऐसे में वो रिया और हम दोनों परिवारों के बीच के रिश्ते के लिए क्या करने वाला है? इसके अलावा रुक्मिणी जी, आप और आपके पति मिलकर हमें दुख पहुंचाना चाहते हो? मैंने सच में इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की। जब मिसेज रंधावा अपना दुख बयां कर रही थी और ओबेरॉय परिवार के धोखे के बारे में कहते हुए अपना मुंह चला रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रेम इरिटेटेड लगते हुए अपना कान खुजा रहा था। शुरू से लेकर अब तक विक्रम ओबेरॉय ने रंधावा परिवार की कही एक भी बात को नहीं रोका, मगर अब उसने फाइनली कहा, क्या आप लोगों की बात पूरी हो गई है? जब अशोक रंधावा ने विक्रम ओबेरॉय का ऐसा बर्ताव देखा तो उन्होंने गुस्से में विक्रम की तरफ देखकर पूछा, हाँ हो गया, अब क्या? क्या तुम ये कहोगे कि हमने कुछ गलत कहा है? इस वक्त मेरा पूरा परिवार यहाँ खड़ा है, बताओ तुम क्या एक्सप्लेन करने वाले हो? विक्रम ओबेरॉय ने एक फोन लगाया और उसने फोन पर सिर्फ दो शब्द कहे, अंदर आओ। अगले ही पल में दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड अंदर आए और उन्होंने एक आदमी को विक्रम की तरफ धक्का दिया। जब रंधावा परिवार ने उस आदमी को देखा तो उन्होंने पहचाना कि वो आदमी ओबेरॉय परिवार का कुक था। उस कुक ने रोते हुए गिड़गिड़ाकर कहा, बड़े साहब, बड़ी मालकिन, विक्रम साहब, मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया, मुझे सच में अपने किए पर पछतावा हो रहा है, मगर मुझे यूज किया गया था। वो कुक विक्रम ओबेरॉय के सामने अपने घुटने टेक कर रोने लगा और उसने कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए विक्रम साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बनी बाबा को कुछ भी नहीं हुआ था, जिसने भी मुझे ये काम करने के लिए कहा उन्होंने मुझसे डोज को डबल करने के लिए कहा था, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया,
मैंने उस खाने के डिब्बे में सिर्फ थोड़ी सी दवाई मिलाई। मैं सच में बनी बाबा को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। कुक की कही बात सुनकर वहां मौजूद सारे लोग समझ गए कि वो उस दिन की बात कर रहा था जब बनी को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। और उसकी बात सुनने के बाद रुक्मिणी ओबेरॉय और कपिल ओबेरॉय के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। उन्होंने शुरू से ही इस बात के लिए माही पर शक किया, मगर उन्होंने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि प्रॉब्लम उनकी तरफ से ही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि असल में कुक ने बनी के खाने के साथ छेड़खानी की थी। ये सब देखते हुए अशोक रंधावा ने चाय पीते हुए कॉमेंट करके कहा, तो पिछली बार जब बनी को फूड पॉइजनिंग हुआ था तो उसके पीछे इस कुक का हाथ था। राज रंधावा ने परेशान लगते हुए कहा, इस वक्त बात हम दोनों के परिवार के बीच की है, आखिर तुमने इस आदमी को हम सबके सामने क्यों खड़ा किया है? प्रेम ओबेरॉय ने मुस्कुराकर राज रंधावा की तरफ देखकर कहा, मिस्टर राज, आखिर जल्दी किस बात की है, थोड़ा इंतजार कीजिए। रुक्मिणी ओबेरॉय ने गुस्से में उस कुक की तरफ देखा और वो अचानक इतनी ज्यादा गुस्सा लगने लगी कि उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने कहा, राम बाबू, आप हमारे परिवार के साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहे हो। इतने सालों में हमने आपके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, आखिर आपने किसके कहने पर इतनी गिरी हुई हरकत की? आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि बनी मेरी जान है। कुक ने रुक्मिणी ओबेरॉय के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बड़ी मालकिन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत था। बड़े साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे फंसाया गया था। ये सब उस माही ने किया है, माही ने मुझसे ये सब करवाया है। उसने मेरे साथ एक रात गुजारी थी और उसने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए थे। उसने मुझे बहला फुसलाकर मुझसे ये काम करवाया था। उसने कहा कि किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि ये मेरा किया धरा था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और इसीलिए मैंने इतना बड़ा जोखिम उठाया। उस कुक की कही ये बात सुनकर रुक्मिणी ओबेरॉय के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया और उन्होंने कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? इस बात से कपिल ओबेरॉय भी बेहद परेशान दिखने लगे, मगर उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से समझते थे कि अगर विक्रम ने इस कुक को स्पेशली बुलवाया था तो इसके पीछे मामला इतना भी सिंपल नहीं होगा। कुक ने वादा करते हुए कहा, बड़ी मालकिन, बड़े साहब, विक्रम साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मैं झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। वो औरत वाकई में माही ही थी जिसने मुझसे ये सब करवाया। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भगवान मुझे बिजली के झटके से मार दे। ऐसे में अगर कोई मुझे लाखों रुपए भी देने के लिए तैयार होगा तब भी मैं अब से कभी दोबारा झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। जब मिसेज रंधावा ने उस कुक की कही ये बात सुनी तो उन्होंने हंसकर कहा, अपना मकसद पूरा करना तो दूर, वो लड़की एक बच्चे को भी नहीं छोड़ रही। उसने तो एक कुक के साथ भी रात गुजार ली, ये तो वाकई में बेहद। मगर इससे पहले कि मिसेज रंधावा अपनी बात पूरी कर पाती, तभी अचानक वो दरवाजा एक बार फिर खुला। इस बार जो अंदर आई वो एक औरत थी। विक्रम ओबेरॉय ने उस कुक की तरफ देखकर पूछा, क्या यही वो लड़की थी? उस कुक ने अपने दरवाजे पर खड़ी औरत की तरफ देखकर तुरंत अपना सर हिलाया और कहा, जी विक्रम साहब, ये वही लड़की है, ये वही सेलिब्रिटी है, माही सिन्हा। जब उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कौन खड़ा था तो रुक्मिणी ओबेरॉय और कपिल ओबेरॉय दंग रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि माही सही सलामत उनके सामने खड़ी थी, जबकि कुछ ही देर पहले उन्होंने माही को कोमा में हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए देखा था। रुक्मिणी ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, अगर नीचे बेहोशी की हालत में माही लेटी हुई है तो ये औरत कौन है? तभी अचानक रुक्मिणी ओबेरॉय को कुछ याद आया और उन्होंने कहा, क्या ये वही औरत है जिसने माही की तरह लगने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाया था? क्या इस लड़की का नाम पीकू है? प्रेम ओबेरॉय ने हामी भरते हुए अपनी माँ से कहा, हाँ माँ, ये वही है। इस पॉइंट पर रुक्मिणी ओबेरॉय ने घबराते हुए अपने सामने खड़ी उस औरत की तरफ देखकर कहा, तभी मैं सोचूं, इस औरत की नजरें इतनी अजीब क्यों हैं?
प्रेम ओबेरॉय ने अपनी माँ की तारीफ करते हुए कहा। अरे वाह माँ, आपकी नजरें तो वाकई में बहुत तेज है। रुक्मिणी ओबेरॉय ने फिर क्लैरिफाई करते हुए कहा, अब ज्यादा बनो मत। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि जिस औरत ने हमारे कुक से ये सब करवाया वो असल में पीखू थी? इस पॉइंट पर रिया ने कमेंट करते हुए कहा, हम इसके बारे में श्योर नहीं हो सकते क्योंकि दोनों ही लड़कियां दिखने में बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता कि ये सब किसने करवाया था। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मिस्टर विक्रम ने माही का नाम क्लियर करने के लिए इस औरत को फ्रेम किया है? मिसेज रंधावा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, एक कॉल करके तुमने हम सबको यहाँ बुला लिया और तुम मुद्दे की बात भी नहीं कर रहे बल्कि हमें ये सब बकवास दिखा रहे हो। आखिर इसका क्या मतलब हुआ? विक्रम ओबेरॉय अपने भाई प्रेम ओबेरॉय की तरफ देखने लगा और जब प्रेम ओबेरॉय ने अपने भाई का इशारा समझा तो उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई। प्रेम ओबेरॉय ने मुस्कुराकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, ये रिकॉर्डिंग बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, मगर थैंकफुली यहाँ पर हर कोई पूरी तरह अटल्ट भी नहीं है। जैसे ही प्रेम ओबेरॉय ने ऑडियो रिकॉर्डिंग पर क्लिक किया, गेस्ट रूम में फिर एक मर्द और एक औरत की अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हालांकि वो सिर्फ ऑडियो था मगर गेस्ट रूम में बैठा हर एक इंसान समझ गया कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में जो दो लोग थे वो क्या कर रहे थे। रुक्मिणी ओबेरॉय ने गुस्से में अपने बेटे प्रेम ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, प्रेम ये क्या बदतमीजी है, ये तुमने कैसी अश्लील चीजें चला रखी हैं? उनके सामने बैठा राज रंधावा, जो अभी तक काफी कूल और रिलैक्स्ड बिहेव कर रहा था, जैसे कि सब उसके कंट्रोल में था, मगर कुछ ही देर बाद उसके चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया और वो हैरान लगते हुए पीकू की तरफ देखने लगा जो किसी कोने में दुबक कर बैठी हुई थी। जैसे ही रुक्मिणी ओबेरॉय अपने बेटे प्रेम ओबेरॉय से रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए बोलने ही वाली थी, तभी अचानक उस रिकॉर्डिंग से किसी की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक आदमी की थी जिसने कहा, अरे तुम इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों लग रहे हो? क्या अभी तुम्हें मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा नहीं लगता? कहीं इसकी वजह वो विक्रम ओबेरॉय तो नहीं है ना? ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो, तुम नकली हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ओरिजिनल को रिप्लेस कर पाओगी? जिस हालत में तुम हो उसे देखकर तो तुम्हारे चेहरे के अलावा तुम माही के जूते की भी बराबरी नहीं कर सकती। उसके बाद अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई दी जिसने कहा, मैंने वो सब कुछ कर लिया जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा। मैंने माही को फ्रेम किया, इतने सारे लोगों के साथ रात गुजारी, यहां तक कि मुझे उस गंदे से बावर्ची के साथ भी सोना पड़ा। अब तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? अब मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी नहीं करना चाहती। उसके बाद फिर से उस जाने पहचाने लड़के की आवाज सुनाई दी जिसने कहा, अरे वाह, विक्रम ने तुम्हारी जान ना लेकर तुम्हारे साथ थोड़ी सी हमदर्दी क्या दिखा दी? तो तुम्हें क्या लगा कि अपने इस चेहरे के साथ तुम उस तक पहुंच पाओगी? यहां तक कि तुम तो मुझे उठाकर अपनी जिंदगी से भी बाहर फेंक रही हो। मेरी बात सुनो, इसके बारे में सोचने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुम्हारे चेहरे पर कई सारे पैसे खर्च किए हैं, ऐसे में मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। उस लड़की ने परेशान आवाज में कहा, अब तो विक्रम को मेरी सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल गया है। सब लोग ये बात जान चुके हैं कि मैंने माही जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई। मैं लोगों के सामने एक्सपोज हो चुकी हूँ। अब मैं किसी भी तरह से तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। बेहतर होगा कि तुम मुझसे मिलना बंद कर दो। अगर विक्रम ने मुझे फिर से पकड़ लिया तो ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। उसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग से दोबारा उन दोनों की अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, मगर इस पॉइंट पर गेस्ट रूम में बैठे लोग उस ऑडियो रिकॉर्डिंग का पूरा मतलब समझ गए। जो आवाज ऑडियो रिकॉर्डिंग में थी वो किसी और की नहीं बल्कि राज रंधावा की थी। इस सच्चाई के सामने आने पर गेस्ट रूम में सन्नाटा छा गया। ये बात साफ जाहिर थी कि ऐसी प्राइवेट और इंटीमेट रिकॉर्डिंग सिर्फ वो लोग रिकॉर्ड कर सकते थे जो सिचुएशन में इन्वॉल्व थे। ऐसे में राज रंधावा काफी गुस्सा लगने लगा और उसने चिल्लाकर पीकू की तरफ देखते हुए कहा, कमीनी तेरी इतनी हिम्मत। इतना कहने के बाद राज रंधावा तुरंत उठकर खड़ा हो गया
और फिर उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा, क्योंकि अब उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि उसका राज खुल गया था। और इस तरह से रिएक्ट करके उसने ये सब कुछ कंफर्म कर लिया। कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा कि माही का नाम खराब करना और उसे फ्रेम करने से लेकर बनी की फूड पॉइजनिंग के पीछे किसी और का नहीं बल्कि राज रंधावा का हाथ था। इसके बारे में सोचते हुए कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय अपने सामने खड़े उस हैंडसम और टैलेंटेड लड़के की तरफ देखने लगे और फिर पूरे रंधावा परिवार की तरफ देखने लगे। वो दोनों काफी देर तक हैरानी के मारे बिल्कुल चुप रहे। ये सब होते हुए देखकर रिया रंधावा ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और घबराहट के मारे वो अब काफी लाचार महसूस कर रही थी। इसके साथ ही साथ वो हैरान लगते हुए अपने भाई की तरफ देख रही थी। रिया रंधावा ने मन ही मन में कहा, मैंने रात से बार बार कहा कि वो इस मामले को ठीक से हैंडल करे, मगर उसने इस तरह इस चीज को हैंडल करने की कोशिश की। ये सब हैंडल करने का रास्ता उसने पीकू के बिस्तर से निकाला। राज ने ऐसा किया तो किया, मगर उसने अपने पीछे इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन छोड़ दी जो अब उसके खिलाफ यूज की जा रही है। ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि अब पीकू के पास एक खूबसूरत चेहरा था, यहां तक कि मेरा अपना भाई इस चेहरे के आगे खुद को रोक नहीं पाया। इसके बारे में सोचते हुए रिया रंधावा के चेहरे का एक्सप्रेशन और ज्यादा बदतर हो गया और वो समझ गई कि अब सब कुछ खत्म हो गया था। प्रेम ओबेरॉय ने राज रंधावा की तरफ देखकर कहा, मिस्टर राज, क्या अब आप कुछ कहना पसंद करोगे? कपिल ओबेरॉय ने हैरानी के मारे राज की तरफ देखकर उससे पूछा, राज, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने। मगर इससे पहले कि कपिल ओबेरॉय कुछ और कह पाते, अशोक रंधावा ने अचानक अपनी चेयर पीछे की और वो गुस्से में उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने राज के चेहरे पर कसकर चांटा मारते हुए उससे कहा, हरामखोर, तुमने ये सब करने के बारे में सोचा भी कैसे? अपने बेटे राज रंधावा को चांटा लगाने के बाद अशोक रंधावा ने तुरंत कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, कपिल, रुक्मिणी भाभी, राज की मम्मी को और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, यहां तक कि रिया को भी इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरे पीठ पीछे ऐसी हरकतें करेगा, क्योंकि मेरा बेटा अभी बहुत जवान है और उसके खून में काफी गर्मी है। तो जब उसने देखा कि उसकी बहन रिया के साथ इतना कुछ गलत हो रहा था, तो शायद बदले की भावना में उसने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लिया। यहां तक कि उसने बनी को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की, मगर मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। जब प्रेम ओबेरॉय ने अशोक रंधावा की पूरी बात सुनी तो वो हंसने लगा और उसने अशोक रंधावा की तरफ देखकर कहा, आपके बेटे ने हमारे कुक से स्पेशली कहा कि वो बनी के टिफिन में दवाई का डोज बढ़ा दे, क्या ये सच में उसके असली इंटेंशन नहीं थे? ये मैटर अब इस स्टेज तक प्रोग्रेस हो चुका था, मगर इसके बावजूद भी विक्रम ओबेरॉय ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप उठकर खड़ा हो गया और माही के वार्ड में जाने के लिए गेस्ट रूम से निकल गया, क्योंकि वो किसी और चीज पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। इस पॉइंट पर प्रेम ओबेरॉय ने हंसते हुए अपना फोन उठाया और फिर उसने एक दूसरी रिकॉर्डिंग प्ले करते हुए कहा, तुम लोग एक्टिंग करना बंद कर सकते हो, मुझे लगता है कि तुम सब ऑस्कर में नॉमिनेट हो जाओगे। इस बार जिस वॉइस रिकॉर्डिंग को प्रेम ने प्ले किया था वो मिसेज रंधावा की थी, जिन्होंने कहा, ये तो सच में हद हो गई, वो रुक्मिणी तो किसी बड़े और अच्छे खानदान की बेटी है ना, भला वो इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती है? ऐसी हरकत करते हुए वो किसी गांव वाली जैसी लग रही थी। जरा देखो तो उसने हमारी बच्ची को किस तरह पीटा है, मेरी फूल सिरिया का क्या हाल कर दिया है। इस पॉइंट पर अशोक रंधावा की आवाज सुनाई दी और उन्होंने कहा, अब जाने भी दो, उन्होंने अपना इकलौता प्यारा पोता खोया है, ऐसे में थोड़ा सा पागल होना काफी नॉर्मल है। जब अशोक रंधावा और उनकी वाइफ ने ये रिकॉर्डिंग सुनी तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उन्हें इस बात से ज्यादा डर लग रहा था कि आगे की रिकॉर्डिंग और ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। आगे मिसेज रंधावा ने अपनी बेटी रिया से कहा, पगली कहीं की, रुक्मणी तो अपने मरे हुए पोते का शोक मना रही है, बस अब तुम जल्दी से उसे एक दूसरा पोता दे दो।
तभी तो मैंने कहा था कि ओबेरॉय परिवार को विक्रम के उस नाजायज बेटे को रखना नहीं चाहिए था। उन्होंने इस बच्चे को इतना सर चढ़ाकर रखा था कि मुझे तो इस बात का डर था कि कहीं वो लोग अपनी सारी जायदाद आगे चलकर उसके नाम ना कर लें। अगर ऐसा हो जाता तो रिया का विक्रम से शादी करना और हमारा उनका समधी बनने का क्या फायदा होता। अगर इस बार भी उस बन्नी को कुछ भी नहीं होता तो हमें आगे चलकर उसे अपने रास्ते से हटाने के तरीके ढूंढने ही होंगे। राज रंधावा की भी आवाज सुनाई दी और उसने कहा, माँ बिल्कुल ठीक बोल रही है रिया, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो घर चलते हैं और आज रात को सेलिब्रेट करते हैं। कल तक हमें उस मरे हुए बच्चे की गुड न्यूज मिल जाएगी। पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद रुक्मिणी ओबेरॉय के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस परिवार को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते थे वो असल में उनके दुश्मन निकले, और पूरा का पूरा रंधावा परिवार ओबेरॉय परिवार को बर्बाद होते हुए देखना चाहता था। इस पॉइंट पर कपिल ओबेरॉय ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने बोलने की कोशिश करते हुए कहा, अशोक तुमने ये सब, इतने सालों तक मैं तुम्हारी मदद करता रहा और तुम्हें अपना भाई मानता रहा, मगर तुमने। कपिल ओबेरॉय दर्द की वजह से और नहीं बोल पाए। थैंकफुली वो लोग इस वक्त हॉस्पिटल में ही थे और शायद विक्रम ओबेरॉय ने पहले से ही इस सिचुएशन की तैयारी कर ली थी। तभी अचानक एक डॉक्टर इमरजेंसी में पेशेंट को ट्रीट करने के लिए गेस्ट रूम के अंदर आया और उसने कपिल ओबेरॉय की कंडीशन को स्टेबिलाइज किया। कपिल ओबेरॉय ने परेशान लगते हुए अपने मन ही मन में कहा, जिसे मैं आज तक अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता रहा और जिसे मैंने अपने भाई की तरह ट्रीट किया, जिस लड़की को मैं अपने घर की बड़ी बहू बनाना चाहता था, उन लोगों ने, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे हमेशा से ही ये लगता रहा कि रंधावा परिवार के मन में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत और प्यार है और वो हमारे रिश्ते को बहुत वैल्यू करते हैं, और सबसे जरूरी बात, मुझे लगा कि इनमें से कोई भी किसी तरह से भी बन्नी को चोट नहीं पहुंचाना चाहेगा। और तो और, अभी कुछ देर पहले ही अशोक ने मुझसे कहा कि ये लोग बन्नी को कितना प्यार करते हैं और किस तरह वो बन्नी को अपना पोता मानते हैं, मगर अंदर ही अंदर उनके मन में ये चाल चल रही थी। हालांकि हमारे परिवार के बीच किसी तरह का रिश्ता नहीं जुड़ा, मगर इन लोगों ने तो पहले से ही बन्नी को मारने की प्लानिंग कर ली और जायदाद के बारे में भी सोच लिया। रुक्मिणी ओबेरॉय भी काफी शॉक्ड लग रही थी और उन्होंने मन ही मन में कहा, जब बन्नी की किडनैपिंग हुई तब क्या रिया वाकई में शौक के मारे खड़ी रही, या फिर उसने ये सब जानबूझकर किया? इसके बारे में सोचकर भी मेरा खून खौल रहा है। अब सच्चाई सामने आ चुकी है और इसमें गलती रंधावा परिवार की नहीं बल्कि हमारी है। हम इन लोगों की असलियत को पहचान नहीं पाए और हमारी वजह से ही बन्नी की आज जान जाते जाते बची है। अगर जाने अनजाने में विक्रम की शादी रिया के साथ हो जाती तो बन्नी को कितना कुछ झेलना पड़ता। कुछ देर पहले तक तो हमें बहुत अफसोस हो रहा था कि ये शादी नहीं हो पा रही थी। हम ये सोच रहे थे कि हम किस तरह रंधावा परिवार को समझाएं, मगर जब हमारा परिवार मुसीबत में था तो ये लोग सेलिब्रेट करने के बारे में सोच रहे थे। रुक्मिणी ओबेरॉय और कपिल ओबेरॉय अपनी सोच में डूबे हुए थे, और जब अशोक रंधावा ने देखा कि उनका राज खुल गया था और उनके सारे इंटेंशंस एक्सपोज हो चुके थे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन छा गया और उन्होंने बिना किसी शर्म के कहा, कपिल इन सब बातों के लिए मुझे ब्लेम मत करो। अगर तुम्हें उंगली उठानी ही है तो अपने बेटे पर उठाओ, क्योंकि वो प्यार में अंधा हो चुका है। विक्रम उस दो कौड़ी की एक्ट्रेस के लिए मेरी प्रिंसेस जैसी बेटी को रिजेक्ट कर रहा है। जरा अपने आप से पूछो, अगर इस रिश्ते की वजह से हम दोनों का परिवार एक हो जाता तो सब कुछ कितना अच्छा होता। और रही बात बनी की, अगर तुम वादा करोगे कि तुम रिया के बच्चे को अपना वारिस बनाओगे तो हम बेवजह बनी की जिंदगी मुश्किल नहीं करेंगे। इसके बारे में ध्यान से सोचना, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। जब कपिल ओबेरॉय ने अशोक रंधावा की ऐसी बातें सुनी तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन छा गया और उन्होंने गुस्से में कहा, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ।
मगर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते तभी अचानक बाहर से एक सबॉर्डिनेट की घबराई हुई आवाज सुनाई दी और उसने कहा, बड़े साहब, बड़ी मालकिन, प्रेम साहब, जल्दी से बाहर आइए और देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सब बिल्कुल गलत है। यहाँ कई सारे लोग मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने आ चुके हैं और वो कह रहे हैं कि मिस माही को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। सबॉर्डिनेट की कही बात सुनकर रुक्मिणी ओबेरॉय ने हैरान लगते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो, कुछ लोग माही को ले जाने आए हैं? कपिल ओबेरॉय के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक काला पड़ गया और उन्होंने पूछा, कौन है वो लोग? आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई कि ओबेरॉय परिवार से दुश्मनी मोड़ लें? इस पॉइंट पर कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय ने रंधावा परिवार को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और ये देखने के लिए बाहर निकले कि वहां क्या हो रहा था। रंधावा परिवार के लोगों ने एक दूसरे की तरफ कंफ्यूज्ड लगते हुए देखा और फिर वो भी चुपचाप उनके पीछे गेस्ट रूम से बाहर निकले। प्रेम ओबेरॉय ने नाराज लगते हुए कहा, मिलिट्री यूनिफॉर्म, कहीं वो लोग? प्रेम काफी परेशान लगने लगा और उसने मन ही मन में कहा, डैमिट, अगर ये लोग उनकी तरफ से आए हो तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। गेस्ट रूम से बाहर निकलने के बाद उन लोगों ने दो हट्टे कट्टे सोल्जर को देखा। हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट माही के कमरे के दरवाजे के पास काफी परेशान लगते हुए खड़े थे और उन दोनों का चेहरा पसीने से लथपथ था। हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट ने घबराकर उन दोनों सोल्जर्स की तरफ देखकर ओबेरॉय परिवार से कहा, मिस्टर कपिल ओबेरॉय, मैडम ओबेरॉय, जरा ये देखिए, ये लोग अचानक अंदर घुसकर आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि इनके पास मिस माही को ले जाने के ऑर्डर्स मिले हैं। मैं इन्हें रोक नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर को ऐसे लोगों को फेस करने का काफी एक्सपीरियंस था और ये बात जाहिर थी कि वो दोनों समझ गए कि उनके सामने खड़े दो हट्टे कट्टे सोल्जर्स कोई आम इंसान या फिर ऐसे लोग नहीं थे जिनके साथ दुश्मनी की जा सकती थी। कपिल ओबेरॉय ने गुस्से में उन दोनों सोल्जर्स की तरफ देखकर स्ट्रिक्ट अंदाज में पूछा, कौन हो तुम दोनों? किसके ऑर्डर से तुम लोग यहाँ आए हो? एक जवान लीडिंग ऑफिसर कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय के पास गया और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के उन दोनों की तरफ देखकर कहा, हमें चीफ प्रताप से ऑर्डर मिले हैं कि हम हमारी मिस माही को यहाँ से ले जाएं। जब कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय ने उस जवान ऑफिसर के ये शब्द सुने तो वो दंग रह गए। रुक्मिणी ओबेरॉय ने कंफ्यूज लगते हुए अपने पति की तरफ देखकर पूछा, चीफ प्रताप? कपिल ओबेरॉय के चेहरे का एक्सप्रेशन भी काफी कंफ्यूजिंग लग रहा था और उन्होंने मन ही मन में कहा, तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ये लोग वाकई में यहां पर प्रताप परिवार के कहने पर आए हैं। सिर्फ प्रताप परिवार के लोग ही ऐसा कर सकते हैं। आखिर उन लोगों के अलावा कौन ऐसा सीन क्रिएट करने की कोशिश करेगा और ओबेरॉय परिवार के लोगों को ले जाने की हिम्मत करेगा, वो भी सोल्जर्स की आर्मी के साथ? प्रेम ओबेरॉय ने भी गुस्से में अपना पैर पटकते हुए मन ही मन में कहा, डैमिट, अब सब खत्म हो चुका है। ये लोग वाकई में प्रताप परिवार के कहने पर आए हैं। वहीं कोने में खड़ा रंधावा परिवार अपने सामने ये सब होते हुए देखकर काफी हैरान लग रहा था। मिसेज रंधावा ने धीमी आवाज में पूछा, चीफ प्रताप? ये किस चीफ प्रताप की बात कर रहे हैं? अशोक रंधावा का चेहरा काला पड़ गया था और उन्होंने जवाब देते हुए कहा, वीरेंद्र प्रताप के अलावा और कौन हो सकता है? रिया भी काफी परेशान लग रही थी और उसने पूछा, इस ऑफिसर के कहने का मतलब क्या था? उसने कहा कि वो अपनी मिस माही को ले जाने आए हैं। क्या इनका मतलब माही सिन्हा से है? आखिर माही प्रताप परिवार से कैसे रिलेटेड है? पापा, जब आपने पता लगाया तो आपने कहा कि माही की असली आइडेंटिटी सिन्हा परिवार की बेटी की है। इसका मतलब वो अजय सिन्हा की बेटी है। मैंने सही कहा ना? अशोक रंधावा ने कंफ्यूज लगते हुए कहा, हाँ, मैंने पता लगाया और मेरी इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती नहीं हुई थी और वो मैटर तो कुछ ही वक्त के बाद पब्लिक में अनाउंस भी हो चुका था ना। राज रंधावा के चेहरे पर भी एक अजीब सा एक्सप्रेशन छाया हुआ था और उसने कंफ्यूज लगते हुए पूछा, आखिर ये गिरी हुई लड़की प्रताप परिवार से किस तरह रिलेटेड हो सकती है? मुझे तो लगता है कि उसका और वीरेंद्र प्रताप का कोई गंदा सा रिश्ता होगा। मिसेस प्रताप ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, हाँ, यही हो सकता है। इसके अलावा तो मुझे कोई और बात नहीं सूझ रही। या फिर हो सकता है कि
उसने किसी लॉ की वायलेशन की होगी। जब कपिल ओबेरॉय ने ऑफिसर की बात सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि वो लोग वाकई में प्रताप परिवार के कहने पर आए थे, तो उन्होंने तुरंत रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ऑफिसर प्लीज मेरी तरफ से चीफ प्रताप के लिए मेरा मैसेज भेजिए और उनसे कहिए कि ओबेरॉय परिवार अब मिस माही की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। तभी अचानक पीछे से किसी की स्ट्रिक्ट आवाज सुनाई दी। हाँ, तुम्हारा ओबेरॉय परिवार पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा? आखिर तुम लोग हो कौन और तुम लोग किस हक से मेरी पोती की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे? वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि मिथुन प्रताप की पोती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मिथुन प्रताप थे, जो कि कॉरिडोर के दूसरी तरफ खड़े हुए थे। वो गुस्से में अपने हाथ में एक छड़ी पकड़े आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ मौजूद वीरेंद्र प्रताप भी काफी गुस्से में लग रहे थे। उन दोनों के अलावा एक और जवान लड़का उनके पास खड़ा हुआ था, जो गुस्से में अपनी चमकती हुई आंखों से ओबेरॉय परिवार को घूर कर देख रहा था। जब कपिल ओबेरॉय ने देखा कि सिर्फ वीरेंद्र प्रताप ही नहीं बल्कि सीनियर चीफ मिथुन प्रताप भी वहां मौजूद थे, तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस था और उन्होंने कंफ्यूज लगते हुए उनसे पूछा, सीनियर चीफ प्रताप, आप यहां क्या कर रहे हो? इस पॉइंट पर रंधावा परिवार के लोग मिथुन प्रताप के मुंह से पोती शब्द सुनकर हैरानी के मारे जमकर खड़े हुए थे। मिसेस रंधावा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पोती? कैसी पोती? क्या माही सच में मिथुन प्रताप की पोती है? इस बात से रिया रंधावा के चेहरे का भी रंग उड़ चुका था और उसने हैरान लगते हुए कहा, इम्पॉसिबल, भला माही मिथुन प्रताप की पोती? तभी अचानक रिया को कुछ याद आया और वो कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, पापा, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी उसके मुताबिक माही की माँ, उनका नाम क्या है? क्या वो किसी तरह से? अपनी बेटी की कही ये बात सुनकर अशोक रंधावा दंग रह गए और उन्होंने कहा, हाँ तुमने सही कहा, माही की माँ का पूरा नाम गीता प्रताप सिन्हा है। ये बात सुनकर राज रंधावा का मुंह खुला का खुला रह गया। बहुत देर के बाद वो अपने होश में लौटा और उसने कहा, अजय सिन्हा की पत्नी प्रताप परिवार की बेटी है? इम्पॉसिबल, मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। अशोक रंधावा ने इरिटेटेड लगते हुए कहा, हम लोग एक लंबे अरसे से शहर से दूर रहे हैं तो इसीलिए हमें ज्यादा चीजों की जानकारी नहीं है। जब मुझे पता चला कि माही के पापा का नाम अजय सिन्हा है तो उसके बाद मैंने ज्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं किया, मुझसे ये बात चूक गई। गीता सिन्हा की आइडेंटिटी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सबको इस बात से बहुत बड़ा शॉक लगा कि सीनियर चीफ प्रताप माही को पर्सनली अपनी पोती अनाउंस करने आए थे और इसीलिए किसी को भी इस बात पर शक नहीं हो रहा था। जब रिया ने अपने पापा अशोक रंधावा की पूरी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन छा गया। उसकी आंखों में हैरानी छाई हुई थी और वो किसी स्टैचू की तरह बहुत देर तक खड़ी रही और अपने सामने ये सब होते हुए चुपचाप देख रही थी। उसने हैरान लगते हुए मन ही मन में कहा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ कुछ ही देर पहले मेरे मन में एक उम्मीद थी, क्योंकि माही की हालत अब इस हद तक बिगड़ चुकी थी तो चाहे ओबेरॉय परिवार उसके लिए कितना भी अफसोस क्यों ना कर ले और चाहे विक्रम उससे कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, मुझे लगा कि वो लोग हमेशा के लिए उसका इंतजार नहीं करेंगे। इसके अलावा मुझे लगा कि वो बच्चा टेम्पररीली शॉक में है और वो जल्दी रिकवर कर लेगा, पर क्योंकि ओबेरॉय परिवार अब किसी तरह के खतरे में नहीं है तो शायद हमारे परिवार को एक मौका जरूर मिलेगा। मुझे लगा कि एक दिन विक्रम को इस बात का एहसास होगा कि मैं उसी के लिए बनी हूँ और ओबेरॉय परिवार अपने फायदे के लिए मेरे पास दौड़ा चला आएगा, मगर मैंने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की कि माही मिथुन प्रताप की पोती निकलेगी। प्रताप परिवार कई जनरेशन से पॉलिटिकल पावर में रहे हैं। शहर के सबसे ऊंची फैमिली होने के नाते किसी के अंदर उनके साथ पंगे लेने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनकी हिस्ट्री और अचीवमेंट ही बेहद काबिले तारीफ थी। यहां तक कि ओबेरॉय परिवार भी किसी तरह उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। मिथुन प्रताप ने गुस्से में कपिल ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, अगर मैं यहां नहीं आता तो शायद कल को मेरी पोती की जान भी चली जाएगी।
जब कपिल ओबेरॉय ने मिथुन प्रताप की ऐसी बात सुनी तो उन्होंने कुछ भी बोलने की हिम्मत तक नहीं की। कपिल ओबेरॉय ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि गलती उनकी थी, तो इसीलिए उन्होंने धीमी आवाज में एक्सप्लेन करते हुए कहा, सीनियर चीफ प्रताप, मिस माही की ये हालत हमारी वजह से हुई है, क्योंकि माही ने बनी को बचाया तो इसीलिए हम पर उसके कई सारे एहसान हैं। हमने माही के इलाज के लिए सबसे अच्छे स्पेशलिस्ट को हायर किया है और उसे जिंदा रखने के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। प्लीज हम पर भरोसा रखिए, हम माही की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। कपिल ओबेरॉय की पूरी बात सुनने के बाद, इससे पहले कि मिथुन प्रताप कुछ कह पाते, मान प्रताप खुद को रोक नहीं पाया और वो गुस्से में उनकी डांट लगाने लगा। मान प्रताप की आंखों में गुस्सा झलक रहा था और गुस्से की वजह से उसकी आवाज कांप रही थी। उसने ओबेरॉय परिवार की तरफ देखकर कहा, भाड़ में जाओ तुम सबके सब, आज तुम लोगों की वजह से मेरी बहन की यह हालत है। इतना कुछ होने के बाद भी तुम लोग उसे जाने नहीं देना चाहते। तुम लोगों को क्या लगा कि मेरी बहन हमेशा से अकेली रही है और उसके आगे पीछे कोई नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज हम उसे यहाँ से ले जाएंगे। अगर वो इसी तरह तुम लोगों के साथ रही तो जाने उसके साथ क्या हो जाएगा। ओबेरॉय परिवार का हर इंसान बहुत बुरा है। जिस दिन ये सब कुछ हुआ उस दिन उसकी टीम शॉपिंग करने बाहर गई थी, तो इसीलिए मान प्रताप ने मौके का फायदा उठाया और वो घर वापस चला गया। इत्तेफाक से उसने अपने पापा और दादू की बात सुन ली और उसे पता चला कि उसकी माही दीदी के साथ कुछ बहुत बुरा हो गया था। और उसी दिन उसे इस बात का पता चला कि उसकी माही दीदी वाकई में उसकी कजन थी। जब मान प्रताप को इसके बारे में पता चला तो उसके मन में एक ही बात आई, तभी मैं सोचूं कि माही दीदी इतनी अच्छी क्यों है, आखिर हम सब एक ही परिवार के तो हैं। सच्चाई जानकर मान प्रताप ने फैसला किया कि वो भी अपने पापा और दादू के साथ हॉस्पिटल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन रश्मि प्रताप और माँ मिसेस प्रताप घर रुककर उनका इंतजार कर रहे थे। मान प्रताप ने उन दोनों से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी माही दीदी को इस झमेले से बाहर निकाल कर ले आएगा। मान प्रताप ने मन ही मन में कहा, दादू की अच्छी पोजीशन की वजह से ऐसी कुछ चीजें हैं जो वो बोल नहीं पाते, ऐसे में मैं खुद इन लोगों को इनकी असली जगह दिखाऊंगा। आफ्टर ऑल सब मेरी पुरानी इमेज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, और अगर माही दीदी नहीं होती तो मैं आज भी कहीं ना कहीं भटकता ही रहता। अपने बेटे की बदतमीजी देखकर वीरेंद्र प्रताप ने गुस्से में मान प्रताप की तरफ देखा, मगर वो किसी तरह उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इसकी वजह यह थी कि वीरेंद्र प्रताप भी ओबेरॉय परिवार से काफी नाखुश थे। एक बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद कपिल ओबेरॉय के चेहरे का एक्सप्रेशन बदतर हो गया, मगर वो किसी तरह से उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने धीमी आवाज में अपने हम्बल एटीट्यूड के साथ कहा, मिस माही को लेकर मेरे मन में कई सारी गलत फहमियां थी, मैं अपनी गलती मानता हूँ और अब सबसे माफी भी मांगता हूँ। मिस माही ने हमारे पोते बनी की जान बचाई और वो हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मैं माही की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, भला मैं उसे चोट क्यों पहुंचाऊंगा। प्लीज सीनियर चीफ प्रताप और चीफ प्रताप मेरी बातों पर यकीन कीजिए, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। मान प्रताप ने इरिटेटेड लगते हुए कहा, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है ये हम कभी समझ नहीं पाएंगे। इस पॉइंट पर काफी देर तक चुप खड़े वीरेंद्र प्रताप ने फाइनली कपिल ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, मिस्टर ओबेरॉय, आपको ये सब एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि माही हमेशा से ही काफी काइंड रही है, और मैं ये भी जानता हूं कि उसने अपने मन से ही उस बच्चे की जान बचाने के लिए ये सब किया होगा। हम ये सब कुछ पाने के लिए नहीं कर रहे, और ना ही ये किसी से रिलेटेड है। हम माही के फैमिली मेंबर हैं और उसके नाते हम बस ये चाहते हैं कि हम उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ से ले जाएं और बाहर वालों को किसी तरह की तकलीफ ना दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस रिक्वेस्ट से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीरेंद्र प्रताप के ये शब्द सुनकर कपिल ओबेरॉय की बोलती बंद हो गई। उन्होंने मन ही मन में कहा, प्रताप परिवार सिर्फ माही को उसकी फैमिली होने के नाते यहाँ से ले जाना चाहते हैं, इसके अलावा वो और कुछ भी नहीं चाहते।
ऐसे में मैं इनसे क्या कह सकता हूँ, मुझे इससे प्रॉब्लम क्यों होगी। कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। प्रताप परिवार का ऐसा एटीट्यूड देखकर ये बात साफ जाहिर थी कि वो किसी भी हालत में माही को अपने साथ ले जाने के बाद ओबेरॉय परिवार के किसी भी सदस्य को माही के कॉन्टेक्ट में रहने नहीं देंगे। दोनों कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनका बेटा विक्रम ओबेरॉय माही से कितना प्यार करता था और बनी किस तरह माही को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था। ऐसे में अगर प्रताप परिवार ने माही को उनसे दूर कर लिया तो बात वाकई में बहुत बिगड़ सकती थी। तभी अचानक मान प्रताप ने कोने में से किसी को अपनी तेज नजरों से नोटिस किया और उसने कहा, ये लोग कौन है जो छुपकर हमारी बातें सुन रहे हैं, चलो बाहर निकलो। इतना कहने के बाद मान प्रताप ने जल्दी से गेस्ट रूम के पास खड़े एक आदमी को घसीट कर बाहर निकाला। राज रंधावा ने दर्द के मारे चिल्ला कर कहा, रुक जाओ, अरे छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो। जब रिया रंधावा और उसके पेरेंट्स ने देखा कि उनके बेटे राज रंधावा का कॉलर मान प्रताप के हाथ में था तो वो तुरंत उसे बचाने के लिए आगे चले आए। जब कपिल ओबेरॉय को इस बात का एहसास हुआ कि रंधावा परिवार अभी भी वहां थे तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदतर हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि प्रताप परिवार को रंधावा परिवार के यहां होने के बारे में पता चले। इसके बारे में सोचते हुए कपिल ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, प्रताप परिवार तो हमसे पहले से ही नाराज है, ऐसे में रंधावा परिवार के यहां होने की वजह से इनकी गलत फहमी हमारे लिए और गहरी हो जाएगी। जब कपिल ओबेरॉय इसके बारे में सोच ही रहे थे तभी अचानक वीरेंद्र प्रताप ने गुस्से में कपिल ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, माही इस वक्त कोमा में है और तुम लोग इन लोगों से यहां पर बातें कर रहे हो, तुम लोगों की तो दाद देनी पड़ेगी। मान प्रताप ने राज रंधावा के हाथ को पलटा और उसे जमीन पर लात मारकर गिरा दिया। फिर उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तक तो तुम लोग माही को लेकर काफी थैंकफुल महसूस कर रहे थे और उसके लिए कुछ करना चाहते थे, ये सब बकवास है, मेरी बहन अभी तक मरी नहीं है और तुम लोग तो अभी से ही अपने बेटे के लिए दूसरी लड़की देखने की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद क्या करोगे, क्या तुम लोग मेरी बहन के इस वार्ड के सामने अपने बेटे की शादी की सेरेमनी रखोगे। लात पड़ने की वजह से राज रंधावा को बहुत दर्द हो रहा था, फिर उसने दर्द में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ओबेरॉय परिवार ने हमें धोखा दिया और फिर उन्होंने हमारे पूरे परिवार को यहाँ बुलाया और उन्होंने मेरी बहन के साथ अपने बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। राज रंधावा की ये बात सुनकर सिर्फ प्रताप परिवार ही नहीं बल्कि कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय भी दंग रह गए और उन्होंने मन ही मन में कहा, ये क्या बोल रहा है, हमने इन्हें रिश्ता तोड़ने के लिए बुलाया। जब अशोक रंधावा ने देखा कि उनके बेटे ने काफी स्मार्टली इस सिचुएशन को हैंडल किया तो उन्होंने तुरंत उदास लगते हुए कहा, मैं अभी यही सोच रहा था कि आखिर कपिल ने अचानक रिश्ता क्यों तोड़ दिया, मगर अब मैं सच जान चुका हूं। इस पॉइंट पर मिसेज रंधावा ने भी सिचुएशन का फायदा उठाया और उन्होंने कपिल ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, कपिल जी, आपने मेरे सामने शुरुआत में हमसे वादा किया था और सब कुछ अच्छा जा रहा था, आखिर आपने अचानक हमारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ने का फैसला क्यों किया, कहीं आप सच में प्रताप परिवार को देखकर लालच में तो नहीं आ रहे ना, शहर के प्रताप परिवार की पोती के साथ रिश्ता जोड़ने चले हो, ये तो साफ जाहिर है कि उनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है, कपिल जी आप वाकई में बहुत चालाक हो। जब रिया रंधावा ने देखा कि उसका पूरा परिवार बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ बोले जा रहा था तो वो चुपचाप उदास लगते हुए खड़ी रही और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पूरे ओबेरॉय परिवार ने वाकई में उसे इतना बड़ा धोखा दिया था। ये देखकर कपिल ओबेरॉय इतने ज्यादा गुस्सा हो गए कि उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और इस पॉइंट पर रंधावा परिवार की असलियत उनके सामने पूरी तरह से आ गई। तभी अचानक रुक्मिणी ओबेरॉय उठकर खड़ी हुई और उन्होंने मिसेज रंधावा के चेहरे पर कसकर तमाचा मारा और उन्होंने कहा, ये तमाचा आपके मुंह पर मेरे बनी की तरफ से। इतना कहने के बाद मिसेज ओबेरॉय ने एक और तमाचा मिसेज रंधावा के चेहरे पर लगाया और कहा, ये तमाचा माही की तरफ से।
कपिल और मैंने पूरे रंधावा परिवार को एक लंबे अरसे से अपना दोस्त माना है, मगर हमारी दोस्ती का तुम लोगों ने ये सिला दिया। हमें तुम्हारे परिवार के संस्कारों पर पूरा भरोसा था और इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि तुम लोगों ने अपने बच्चों की परवरिश काफी अच्छे तरीके से की है। हमें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि विक्रम किसी और से प्यार करने लगा था और हम पागलों की तरह ब्लाइंडली रिया को अपनी बहू बनाने की कोशिश करते रहे, मगर इसके बावजूद तुम लोगों ने आज तक और अब तक जब विक्रम तुम लोगों के खिलाफ सबूत ले आया और तुम लोगों को एक्सपोज किया, मुझे वो सब पता चला जिसके बारे में मैं बिल्कुल अनजान थी। जिन लोगों पर कपिल और मैंने आंखें बंद करके विश्वास किया और जिन्हें हमने अपना परिवार माना, वो असल में भेड़िए थे। तुम लोगों ने हमेशा यही कहा कि तुम लोग काफी अच्छे हो और तुम्हारे इंटेंशंस काफी प्योर हैं, मगर हमारे पीठ पीछे तुम लोगों ने माही को फ्रेम करने के लिए सब कुछ गलत किया, मेरे प्यारे पोते को चोट पहुंचाने की कोशिश की और तो और रिश्ता जोड़ने से पहले ही अपनी चालाकी प्लान कर ली। इतना कुछ होने के बाद अब तुम लोग ये कहकर हमें बदनाम कर रहे हो कि हमने रंधावा परिवार के साथ कोई रिश्ता तोड़ा। जब हमारे परिवार पर मुसीबत आई थी तब मुझे सच में लगा कि हम दोनों का परिवार इस शादी से जल्द एक हो जाए। ना ही सिर्फ मैंने विक्रम के पीठ पीछे सारी लड़कियों को विक्रम से शादी करने की उम्मीद दी, बल्कि मैं तो खुद तुम्हारे परिवार की राय जानने के लिए तुम लोगों के पास आई। मगर अब देखो, तुम लोगों का तो रवैया ही बदल गया है। जब तुम लोगों ने देखा कि ओबेरॉय परिवार के हालात ठीक नहीं थे तो तुम लोग एक्सक्यूज ढूंढने लगे, और अब जबकि कंपनी की हालत सुधर गई है और माही ने अपनी जान पर खेलकर बनी की जान बचाई, तो तुम लोगों को लगा कि तुम्हें बिना किसी मेहनत के फल मिलेगा। तुम्हें क्या लगा कि ओबेरॉय परिवार में बेवकूफ भरे पड़े हैं? मैं तुम लोगों से बोल रही हूं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त उस लड़की की क्या कंडीशन है, और अगर वो लड़की जिंदगी भर भी होश में नहीं आई तब भी मैं रुक्मणी ओबेरॉय उस लड़की को ही अपनी बहू मानूंगी। रुक्मणी ओबेरॉय के ये शब्द उस कॉरिडोर में काफी देर तक गूंजते रहे। वहीं साइड में खड़े प्रेम ओबेरॉय ने जब अपनी मां का ये रूप देखा तो वो काफी हैरान लगने लगा और उसने मन ही मन में कहा, अरे वाह, आज तो मेरी माँ फुल फॉर्म में है। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी माँ को सबसे ज्यादा इमेज की परवाह है। उसकी पर्सनैलिटी काफी डेलिकेट और नरम है। आमतौर पर मैंने कभी अपनी माँ को इतनी तेज आवाज में बात करते हुए नहीं सुना, मगर अब वो वाकई में बेहद खतरनाक लग रही है। अपनी माँ का ये रूप देख कर मुझे वो कहावत याद आ गई कि हालांकि औरतें काफी खतरनाक होती हैं, मगर माँ सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। फिर रुक्मणी ओबेरॉय ने चिल्लाकर रंधावा परिवार की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम लोग अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार का सच सीनियर चीफ प्रताप और चीफ प्रताप के सामने रखूं? इतना कहने के बाद रुक्मणी ओबेरॉय ने अपने छोटे बेटे की तरफ देखकर उसे पुकारा, प्रेम। प्रेम ओबेरॉय ने तुरंत अपनी माँ के ऑर्डर को एक्नॉलेज किया और उसने अपने फोन की ऑडियो रिकॉर्डिंग प्ले की। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग बजने लगी, रंधावा परिवार के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। इससे पहले कि प्रताप परिवार रिएक्ट कर पाता, रंधावा परिवार ने तुरंत मान प्रताप के हाथों से राज रंधावा को खींच लिया और वो वहां से भाग निकले। जब मान प्रताप ने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उसने तुरंत इरिटेटेड लगते हुए कहा, ये वाकई में बहुत गिरे हुए लोग हैं। उसके बाद मान प्रताप ने कुछ सोचते हुए मन ही मन में कहा, तो ये लोग वही लोग थे जिन्होंने पिछली बार माही दीदी को फ्रेम करने की कोशिश की। इसके बारे में सोचते हुए मान प्रताप रंधावा परिवार का पीछा करने जा रहा था, मगर तभी उसे याद आया कि आज उसके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था, तो इसीलिए उसने अभी के लिए खुद को रोक लिया और उसने मन ही मन में कहा, अभी तो मैं इन लोगों को जाने दे रहा हूं क्योंकि इसमें कोई जल्दी नहीं है, बाद में मैं खुद इन लोगों के साथ डील करूंगा। मान प्रताप ने धीमी आवाज में कहा, अब तुम लोग जानते हो कि कौन सही है कौन गलत। तुम लोगों को इसके बारे में पहले ही जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि पूरे ओबेरॉय परिवार में सिर्फ एक ही लड़का जिसे मेरी बहन पसंद करती है वही समझदार है। मान प्रताप की ये बात सुनकर प्रेम ओबेरॉय ने तुरंत अपना हाथ उठाकर कहा, मैं भी मेरी भी जजमेंट बहुत अच्छी है। मैंने हमेशा से ही अपने भैया और भाभी को सपोर्ट किया है। मैं उनका प्यारा सा असिस्टेंट हूँ
सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के क्लियर होने के बाद वीरेंद्र प्रताप के चेहरे का एक्सप्रेशन नरम पड़ गया। उन्होंने मन ही मन में कहा, रंधावा परिवार के लोग जो ये बात कह रहे थे कि हमसे रिश्ता जोड़कर रंधावा परिवार बड़ा तीर मारना चाहते थे, तो वो मैं खुद जानता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है। बहुत कोशिश करने के बाद भी पापा गीता के साथ हमारे रिश्ते सुधार नहीं पाए, और इसीलिए वो चुपके से माही पर नजर रख रहे थे, मगर उन्होंने किसी तरह से भी ऑफिशियली माही को बिल्कुल नहीं अपनाया। वहीं दूसरी तरफ विक्रम को लेकर मेरी अपनी नाराजगी थी, और मैं नहीं चाहता था कि माही किसी ऐसे इंसान के साथ रहे। तो हालांकि मैं ओबेरॉय परिवार की सिचुएशन के बारे में अच्छी तरह से जानता था, और ये जानता था कि माही एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थी, तब भी मैंने उसकी कोई मदद नहीं की। मुझे लगा कि माही खुद समझ जाएगी कि ये लड़का उसके लिए ठीक नहीं था और वो पीछे हट जाएगी, मगर मैंने इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं की कि इसका नतीजा ऐसा होगा। आज माही के इस हालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब भी हैं। उस बच्ची माही ने कई बार हमारी मदद की है, मगर हम उसके लिए कभी कुछ भी नहीं कर पाए। रंधावा परिवार के वहां से जाने के बाद रुक्मणी ओबेरॉय वीरेंद्र प्रताप और मिथुन प्रताप के पास गई, और एक सिंसियर एटीट्यूड दिखाते हुए उन्होंने कहा, सीनियर चीफ प्रताप, जनरल प्रताप, पेरेंट्स होने के नाते गलती पूरी तरह से हमारी थी। हम उन लोगों के असली रंग को पहचान नहीं पाए, और हम बार बार माही को मिसअंडरस्टैंड करते रहे। हमने हमेशा से ही विक्रम को माही से दूर रखना चाहा, मगर हमारा बेटा विक्रम माही के साथ हमेशा लॉयल रहा है। मेरा बेटा काफी जिद्दी है। उसने माही की तरफ एक नजर देखा, और तब से लेकर आज तक उसने कभी माही का साथ नहीं छोड़ा। हमने उसे लाख समझाने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद भी माही के लिए उसकी फीलिंग्स कभी नहीं बदली। चाहे बात उस पार्टी की थी जब हमने आपकी बेटी को इनवाइट किया था, या फिर रंधावा परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने की, ये सब कपिल और मेरे पर्सनल डिसीजंस थे, और विक्रम इसके सख्त खिलाफ था। कपिल ओबेरॉय ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने शुरू से ही विक्रम और माही के रिश्ते को अपनी सहमति नहीं दी। मैंने विक्रम से कहा कि कंपनी के लीडर होने के नाते और फैमिली के हेड होने के नाते अपनी पत्नी को चूज करना उसके अकेले का मैटर नहीं था। उस दिन विक्रम ने मुझसे एक बात कही थी। उसने कहा कि मेरे और उसकी माँ के अलावा और कोई भी उसके डिसीजन को किसी तरह से अफेक्ट नहीं कर सकता। जब वीरेंद्र प्रताप ने ये सुना तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदला, और मिथुन प्रताप के चेहरे का भी एक्सप्रेशन काफी इमोशनल लगने लगा। ध्यान से सोचने पर और याद करने पर वीरेंद्र प्रताप ने मन ही मन में कहा, मैं विक्रम से कई बार मिला हूं, उसने हमारे घर पर खाना भी खाया है, और जब मैंने देखा कि वो किस तरह माही के साथ इंटरैक्ट करता है, मैं ये कह सकता हूं कि विक्रम माही को लेकर काफी सीरियस है। उसके खिलाफ मेरी जो नाराजगी थी वो इस वजह से थी कि उसकी फैमिली ने माही के साथ हमेशा गलत बर्ताव किया। जब कपिल ओबेरॉय बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगे और उनकी आवाज थोड़ी सी कांपने लगी। उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मेरा बेटा विक्रम वाकई में एक बहुत ही अच्छा बेटा है। उसने हमेशा से ही दोनों साइड को खुश करने के तरीके ढूंढने की कोशिश की। सच कहूं तो मैंने और उसकी माँ ने उस पर भरोसा नहीं किया, और जो हो रहा था उसे होने दिया, मगर मैंने कभी नहीं सोचा कि इसकी वजह से ओबेरॉय परिवार पर इतना बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। सिर्फ 7 दिन पहले विक्रम ने मुझसे कहा कि वो सब कुछ सॉल्व कर लेगा, और तो और उसने मुझसे इस बात का वादा भी किया था, मगर मैंने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। बहुत देर तक सोचने के बाद वीरेंद्र प्रताप ने अपने पास खड़े अपने पापा की तरफ देखा, और फिर उसने ध्यान से अपने शब्दों को चुनते हुए कहा, हमें ओबेरॉय परिवार के प्रॉब्लम्स के साथ इन्वॉल्व होने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस वक्त मुद्दा यह है कि बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि चाहे आप जो कुछ भी क्यों ना कह दो, ये बात नहीं बदलेगी कि माही कोमा में है। हम बस माही को अपने साथ घर ले जाना चाहते हैं। अपनी ये बात पूरी करने के बाद वीरेंद्र प्रताप ने कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय के जवाब का इंतजार तक नहीं किया, और उन्होंने अपने लोगों को ऑर्डर करते हुए कहा,
जल्दी से मिस माही को यहां से रिट्रीव करो। उनका ऐसा बर्ताव देखकर ये बात साफ हो चुकी थी कि वो लोग आज ही माही को वहां से ले जाने के लिए पूरी तरह से डिटरमिंड थे। सोल्जर्स ने हामी भरते हुए कहा, जी सर। जैसे ही उस यंग ऑफिसर ने वीरेंद्र प्रताप का ऑर्डर सुना, उसने तुरंत अपनी टीम बुलवाई, जिनमें से एक उनका प्रोफेशनल मेडिकल एक्सपर्ट था, और वो सीधे वार्ड के एंट्रेंस की तरफ गए। उनके आसपास खड़े डॉक्टर और नर्स मिलिटेंट की हॉस्पिटैलिटी देखकर काफी घबराने लगे, और वो सबके सब साइड में होकर खड़े हो गए। किसी ने भी उन लोगों के रास्ते में आने की हिम्मत तक नहीं की। उस यंग ऑफिसर ने बड़े बड़े कदमों से वार्ड की तरफ अपना रास्ता बनाया, और जैसे ही वो दरवाजा खोलने जा रहा था, तभी अचानक वो दरवाजा अंदर से खोला गया। वार्ड के एंट्रेंस पर एक लंबा चौड़ा आदमी ब्लैक कलर का सूट पहने खड़ा हुआ था। उसने ध्यान से वहां का माहौल एनालाइज किया। उस आदमी के वो पावरफुल प्रेजेंस जो हमेशा से ही टॉप पोजीशन में रहा है, और उसके चेहरे का वो खतरनाक एक्सप्रेशन, सिर्फ वही इंसान समझ पाता है जिसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी हों। वो ऑफिसर जो इस वक्त विक्रम ओबेरॉय के सामने खड़ा था, जब उसने विक्रम के चेहरे का ये एक्सप्रेशन देखा तो उसे अपने युद्ध के मैदान की याद आ गई, और उसका हाथ अनकॉन्शियसली उसके हथियार पर पड़ा। और फिर उसे अचानक याद आया कि वो किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि हॉस्पिटल में था। जब वीरेंद्र प्रताप ने विक्रम ओबेरॉय को दरवाजे पर खड़े हुए देखा, तो वहां का माहौल अचानक से बदल गया। विक्रम ओबेरॉय और वीरेंद्र प्रताप एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और उनका प्रेजेंस इक्वली मैच कर रहा था। वीरेंद्र प्रताप ने गुस्से से विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखा, और फिर उन्होंने बिना किसी एक्सप्रेशन के विक्रम से कहा, विक्रम, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ये कभी नहीं चाहता था कि माही तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि माही बहुत भोली है और वो तुम्हारे जैसी फैमिली को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। ये बात आज साबित भी हो चुकी है। जो कुछ भी मैंने सोचा था वो सब सच हो गया। ऐसी सिचुएशन में जो एक बार हो सकता है वो बार बार भी तो हो सकता है। मुझे अपने आप से इस बात से नफरत हो रही है कि मैं वक्त पर यह सब रोक नहीं पाया, और मुझे पता नहीं चला कि माही के साथ इतना कुछ हो गया। मैं लाचार हो गया था, और इसकी वजह से आज माही की यह हालत हो गई है। तो इसलिए आई एम सॉरी, मगर आज मैं माही को यहां से लेकर जाऊंगा, और आगे चलकर माही ठीक हो जाती है या नहीं, इससे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का कोई लेना देना नहीं होगा। तभी अचानक पास में खड़े मान प्रताप ने हामी भरते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे तो पहले से ही लगा कि तुम मेरी बहन के लिए ठीक नहीं हो। वो तो कितनी खूबसूरत और अच्छी है, उनकी शादी तो किसी के साथ भी हो सकती है, तो भला वो एक ऐसे इंसान से शादी क्यों करना चाहेंगी जिसका ऑलरेडी एक बच्चा हो। और अब तुम्हारे बच्चे को बचाने की वजह से मेरी बहन की ये हालत है, क्या इतना काफी नहीं है? मिथुन प्रताप वहीं पास में खड़े हुए थे, और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मगर उन्हें देखकर ये साफ जाहिर था कि वो अपने बेटे और पोते की बात से पूरी तरह से सहमत थे। ये बात साफ थी कि वो अपना मन बनाकर आए थे, और वो हर हालत में अपनी पोती माही को ओबेरॉय परिवार से बहुत दूर लेके जाएंगे। विक्रम ओबेरॉय ने वीरेंद्र प्रताप और मान प्रताप की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने मिथुन प्रताप की तरफ देखकर कहा, सीनियर चीफ प्रताप, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? विक्रम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर मान प्रताप काफी परेशान लगने लगा, और उसने कहा, तुम्हें दादाजी से क्या बात करनी है? आखिर अब बोलने के लिए बचा ही क्या है? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बेटे को लेकर किसी और परिवार की बेटी ढूंढ लेनी चाहिए, मगर मेरी बहन के पास दोबारा आने की हिम्मत भी मत करना। मिथुन प्रताप चुपचाप विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखते रहे, और उनकी आंखों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं था। कुछ देर के बाद मिथुन प्रताप ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है। ये देखकर मान प्रताप काफी नाराज लगने लगा, और उसने कहा, मगर दादू। मगर इससे पहले कि मान प्रताप कुछ कह पाता, मिथुन प्रताप ने उसे चुप रहने का इशारा किया,
और फिर वो विक्रम ओबेरॉय से अकेले में बात करने के लिए कॉरिडोर के कोने में चले गए। मान प्रताप इस बात से बहुत परेशान था और उसने अपने पापा की तरफ देखकर कहा, पापा आपने उन दोनों को रोका क्यों नहीं? अगर उस आदमी ने किसी तरह दादाजी को अपनी बातों में फंसा लिया तो? वीरेंद्र प्रताप ने अपने बेटे की तरफ देखकर उससे पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे दादाजी को कोई इतनी आसानी से अपनी बातों में फंसा सकता है? अपने पापा की कही ये बात सुनकर मान प्रताप अपना सर खुजाने लगा और उसने कहा, वेल आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मान प्रताप अपने आप में ही बातें कर रहा था और वो लड़ाई के लिए अपने स्लीव्स को ऊपर रोल करते हुए तैयार हो रहा था। उसने मन ही मन में कहा, दादू प्लीज उसकी बातों में मत आना, उसे मुंह तोड़ जवाब दे देना। कपिल ओबेरॉय और रुक्मणी ओबेरॉय एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उनके मन में बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। कपिल ओबेरॉय ने मन ही मन में कहा, प्रताप परिवार वाकई में अपना मन बनाकर आए हैं, क्या विक्रम वाकई में किसी तरह से सीनियर चीफ प्रताप को मना पाएगा? अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाए तो तब हम क्या करेंगे और बनी का क्या होगा? वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर के उस कोने में मिथुन प्रताप के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी खड़ूस था और वो हर हाल में अपने फैसले पर अड़े रहने वाले थे। उन्होंने विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, तुम क्या कहना चाहते थे बताओ मुझे, मगर मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूं कि चाहे तुम मुझसे कुछ भी कह लो, आज मैं माही को यहां से ले जाऊंगा। अपनी कंफ्यूजन की वजह से एक बार मैंने पहले ही गलत फैसला ले लिया था, मगर मैं दूसरी बार माही को दुख झेलने नहीं दूंगा। मैं मानता हूं कि मान ने जो कुछ भी कहा वो काफी रूठ था, मगर उसका इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था। माही तुम लोगों को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग किसी भी बहाने से उसके आसपास रहने की कोशिश करो। इतना कुछ होने के बाद तुम लोगों के पछताने का क्या फायदा है? तुम चाहो तो अपने बच्चे को लेकर अपनी नई शुरुआत कर सकते हो, मगर माही। इससे पहले कि मिथुन प्रताप अपनी बात पूरी कर पाते, विक्रम ओबेरॉय ने उनकी बात को बीच में काटते हुए अचानक कहा, बनी माही और मेरा अपना बेटा है, उसकी रगों में मेरा और माही का खून है। विक्रम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर मिथुन प्रताप के बचे हुए शब्द उनके गले में ही अटक गए और उन्होंने हैरान लगते हुए अपने सामने खड़े विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो? विक्रम ओबेरॉय ने अपने शब्द दोहराते हुए कहा, मैं और माही बनी के मां बाप हैं। हालांकि मिथुन प्रताप इस वक्त बेहद गुस्से में थे, मगर विक्रम ओबेरॉय की ये बात सुनकर वो पूरी तरह से दंग रह गए और बहुत देर तक चुप रहे। उसके बाद उन्होंने फाइनली रिएक्ट करते हुए कहा, तुम ये कह रहे हो कि बनी माही का अपना बायोलॉजिकल बेटा है? विक्रम ओबेरॉय ने सच्चाई के साथ जवाब देते हुए कहा, जी बनी माही का बायोलॉजिकल बेटा है और वो आपका परपोता है। प्रताप परिवार की आखिरी जनरेशन जो कि माही, रश्मि और मान प्रताप थे, उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और जिनकी शादी हो चुकी थी वो अपने करियर के साथ इतने बिजी हो गए थे कि उनके अभी तक कोई बच्चे नहीं हुए, तो इसीलिए मिथुन प्रताप का कोई परपोता या फिर परपोती नहीं थी। मिथुन प्रताप को हमेशा से ही इस बात का काफी दुख था और उन्हें हमेशा ये बात सताया करती थी कि क्या वो मरने से पहले अपने परिवार की चौथी पीढ़ी को देख पाएंगे या नहीं। ऐसे में विक्रम ओबेरॉय ने अचानक उनसे कहा कि बनी उनका अपना परपोता था। ये बात साफ जाहिर थी कि इस बात से मिथुन प्रताप को एक बहुत बड़ा झटका लगा और शॉक्ड लगने के अलावा उनके मन में कई सारे इमोशंस जगने लगे जो वो बिल्कुल भी सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। मिथुन प्रताप ने विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर सीरियसली उससे पूछा, बच्चे क्या तुम सच बोल रहे हो? कहीं तुम मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे?
इस पॉइंट पर विक्रम ओबेरॉय के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला और उसने जवाब देते हुए कहा, मैंने प्राइवेटली माही और बनी की तरफ से शहर के मिलिट्री हॉस्पिटल में एक डीएनए टेस्ट करवाया था। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप जाकर हॉस्पिटल में डॉक्टर से कंफर्म कर सकते हो। वहां के डॉक्टर के साथ आपकी अच्छी दोस्ती है तो शायद आपको उनकी बातों पर भरोसा हो। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने कोई टेस्ट नहीं करवाया तो आप खुद ही डिसाइड करो कि आपको नहीं लगता कि बनी आपके प्रताप परिवार का एक हिस्सा हो सकता है। विक्रम का ये सवाल सुनकर मिथुन प्रताप ने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब देते हुए कहा, उस बच्चे के अंदर इतनी कम उम्र में एक बेहतरीन मार्क्समैनशिप है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो मान प्रताप से भी कई गुना ज्यादा टैलेंटेड है। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है कि वो हमारे प्रताप परिवार का एक हिस्सा है? जैसे ही मिथुन प्रताप ने अपनी बात पूरी की, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो विक्रम ओबेरॉय के जाल में फंस चुके थे, मगर उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं हुई। उन्हें वो दिन याद आया जब वो कुछ देर के लिए बनी से मिले थे और फिर उन्होंने अचानक कुछ समझते हुए कहा, हू बहू, बिल्कुल हू बहू। तभी मैं सोचूं कि मुझे लगा उस बच्चे के अंदर माही जैसी कई सारी सिमिलर रिमार्केबल क्वालिटीज हैं। इतना कहने के बाद मिथुन प्रताप अचानक रुक गए और फिर उन्होंने कहा, मगर एक मिनट रुको, तुमने अभी अभी कहा कि तुम्हें इसके बारे में डीएनए टेस्ट करवाने के बाद ही पता चला। कहीं ऐसा तो नहीं कि माही को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? मिथुन प्रताप की ये बात सुनकर विक्रम ओबेरॉय के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने हामी भरते हुए कहा, जी आपने बिल्कुल ठीक समझा, माही को अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इस वक्त ये मैटर वाकई में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी एक वजह तो यही है कि मैं बहुत सेल्फिश हूं, मगर दूसरी वजह यह है कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मैं पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं की और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। फिलहाल ये सब बातें करने के लिए ये जगह और वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं जल्द ही आपको डिटेल में ये पूरी सिचुएशन समझा लूंगा, मगर इससे पहले कि मुझे पूरी बात पता चले, मैं चाहता हूं कि आप इस मैटर को अभी के लिए अपने तक ही रखिएगा। मिथुन प्रताप ने हामी भरते हुए विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर कहा, हाँ जरूर, मैं सोच समझ कर अपने फैसले लेता हूं। फिर उन्होंने अपनी आंखों में बेचैनी दिखाते हुए पूछा, वैसे इस वक्त बनी कहां पर है? विक्रम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए कहा, बनी इस वक्त माही के साथ वार्ड के अंदर है। विक्रम ओबेरॉय ने फिर अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, इस इंसिडेंट की वजह से बनी को बहुत बड़ा सदमा लगा है और वो इसके लिए खुद को ब्लेम कर रहा है, जिसकी वजह से उसके मन में गिल्टी फीलिंग भरी हुई है। वो ये बात किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसे बचाने के चक्कर में शायद उसकी माँ ही मम्मी की जान चली जाएगी। जब बनी को होश आया तब वो किसी की कोई भी बात सुन नहीं पा रहा था। उसने कुछ भी नहीं खाया और ना ही उसने एक बूंद पानी पिया, यहां तक कि उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। विक्रम ओबेरॉय की ये बात सुनकर मिथुन प्रताप के चेहरे पर परेशानी छा गई और उन्होंने तुरंत पूछा, ये सब कैसे हुआ? अब बनी की कंडीशन कैसी है? विक्रम ओबेरॉय ने जवाब देते हुए मिथुन प्रताप से कहा, उसके बाद मैंने उसे बताया कि उसकी माँ ही मम्मी इस वक्त कोमा में है और उसे अपने बेटे की जरूरत है। ये सुनकर वो धीरे धीरे रिकवर होने लगा और वो तब से लेकर अब तक माही के पास ही बैठा रहा। ऐसे में बनी अपनी माही मम्मी से दूर नहीं हो सकता, और मुझे नहीं लगता कि हमें एक माँ को अपने बच्चे से या फिर एक बच्चे को उसकी माँ से दूर करना चाहिए। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि बनी की वजह से ही शायद माही जल्द ही होश में आ जाएगी। मिथुन प्रताप, जो कि विक्रम ओबेरॉय को पहले काफी नाराजगी से ट्रीट कर रहे थे, वो अब विक्रम की हर बात में हामी भरने लगे और उन्होंने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा,
हमें किसी भी हालत में बनी को माही से अलग नहीं करना चाहिए। फिर मिथुन प्रताप ने विक्रम ओबेरॉय की तरफ देखकर उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है? विक्रम ओबेरॉय कुछ देर के लिए सोचने लगा और फिर उसने कहा, आपके कनेक्शन की मदद से मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप माही के लिए मुझसे बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगी, तो मैं आपको माही को यहां से ले जाने में पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। जब मिथुन प्रताप ने विक्रम ओबेरॉय की राय सुनी तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स जैसा नहीं था, जो हर हालत में माही को रखना चाहते थे। ऐसे में मिथुन प्रताप के मन में जो गुस्सा था वो एकदम से गायब हो गया और उनके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन छा गया और उन्होंने विक्रम से कहा, कम से कम तुम ये बात समझते हो कि क्या सही है और क्या गलत। विक्रम ओबेरॉय ने फिर सजेस्ट करते हुए मिथुन प्रताप से कहा, मगर क्योंकि हम बनी को किसी भी हाल में माही से अलग नहीं कर सकते, तो मैं चाहूंगा कि बनी भी आपके साथ जाए। जब मिथुन प्रताप ने विक्रम ओबेरॉय की कही ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो यही चाहते थे, और उन्होंने एक्साइटेड लगते हुए कहा, तुम बनी को मेरे साथ जाने देना चाहते हो? ये तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर क्या तुम इस चीज का फैसला अकेले ले सकते हो? विक्रम ओबेरॉय ने हामी भरते हुए कहा, मेरे पेरेंट्स को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम ओबेरॉय की कही ये बात सुनकर मिथुन प्रताप ने तुरंत खुशी से अपने हाथ क्लैप किए और उन्होंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर यही तय रहा। वहीं कॉरिडोर के दूसरी तरफ से जब मान प्रताप ने अपने दादू को विक्रम ओबेरॉय के साथ इतनी देर तक बातें करते हुए देखा तो वो ना चाहते हुए भी घबराने लगा, क्योंकि मिथुन प्रताप और विक्रम ओबेरॉय अपनी पीठ दिखाकर खड़े हुए थे तो कोई भी उनकी बात समझ नहीं पा रहा था और ना ही उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देख पा रहा था। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों इतनी देर तक क्या बातें कर रहे थे। जैसे ही मान प्रताप ने सोचा कि उसे चुपके से उन दोनों की बातें सुन लेनी चाहिए, तभी अचानक वो दोनों फाइनली कॉरिडोर के दूसरी तरफ से वापस आ गए। ये देखकर मान प्रताप तुरंत अपने दादू के पास गया और उसने अपने दादू की तरफ देखकर कहा, दादू दादू आप वापस आ गए, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस आदमी की मीठी बातों में नहीं आए होंगे, मैंने सही कहा ना? मान प्रताप की ऐसी बात सुनकर मिथुन प्रताप ने गुस्से में अपने पोते की तरफ देखकर पूछा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब मान प्रताप ने देखा कि उसके दादू गुस्सा हो रहे थे तो उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, मेरा मतलब मैं जानता हूं कि मेरे दादू कभी किसी की बातों में नहीं आ सकते, तो क्या अब हम माही दीदी को अपने साथ ले चलें? मिथुन प्रताप ने जवाब देते हुए कहा, हाँ जरूर, हम वही काम तो करने आए थे। मिथुन प्रताप की ये बात सुनकर एक तरफ मान प्रताप काफी खुश लगने लगा, वहीं दूसरी तरफ कपिल ओबेरॉय और रुक्मिणी ओबेरॉय के चेहरे पर बहुत नाराजगी छा गई। वीरेंद्र प्रताप अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देने ही वाला था कि वो लोग अंदर से माही को ले आए, मगर तभी अचानक मिथुन प्रताप ने नाराज लगते हुए उसकी बात काटी और सारे सोल्जर्स की तरफ देखकर कहा, अभी रुक जाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सब लोग पीछे हट जाओ, तुम लोग इस तरह ग्रुप में जाओगे तो अंदर मौजूद लोग डर जाएंगे, मैं खुद अंदर जाता हूं। ये बात सुनकर वीरेंद्र प्रताप परेशान लगने लगे और मान प्रताप काफी कंफ्यूज लगने लगा। मान प्रताप ने मन ही मन में कहा, डर जाएंगे? माही दीदी तो कोमा में है, तो भला कौन डर जाएगा? मिथुन प्रताप खुद अंदर गए और नेचुरली किसी ने भी उन्हें रोकने की हिम्मत तक नहीं की। ना चाहते हुए भी भीड़ में मौजूद लोगों ने मिथुन प्रताप को माही के वार्ड के अंदर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जाते हुए देखा। जैसे ही मिथुन प्रताप अंदर गए, उन्होंने एक प्यारे से छोटे से बच्चे को माही के बेड पर लेटे हुए देखा। उसने अपना छोटा सा हाथ अपनी माँ के हाथ पर रखा हुआ था और उसकी तरफ इस तरह देख रहा था जैसे कि उसे डर था कि कहीं उसकी माही मम्मी खो जाएंगी। उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था
कि उस बच्चे के लिए इस दुनिया में वो और उसकी माँ ही मम्मी ही थे। जब मिथुन प्रताप ने ये देखा तो उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। उन्होंने नरमी से बात करने की कोशिश की और वो किसी तरह से बनी को डराना नहीं चाहते थे और उन्होंने कहा, बनी बेटा, हे बनी बेटा, अपने पर यहां आओ, इस बूढ़े दादाजी के पास आओ। बनी ने नोटिस किया कि किसी आउटसाइडर ने उसके प्राइवेट दुनिया में इन्वेट कर लिया था और फिर अचानक उसके चेहरे पर अपनी माँ ही मम्मी को देखते हुए जो मासूमियत छाई हुई थी वो अचानक बदल गई। उसका क्यूट सा छोटा चेहरा अचानक बदल गया और वो वार्ड के एंट्रेंस पर खड़े उस आदमी की तरफ गुस्से में घूरने लगा। ऐसा लग रहा था कि किसी शेर के बच्चे के पंजे निकल आए थे। इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रहा था। अचानक वहां पर किसी मेटल जैसी अजीब आवाज सुनाई देने लगी। वहां कई सारे रोबोट अचानक दरवाजे पर अपीयर हो गए। उनके शरीर पर किसी तरह की ब्राइटनेस दिखाई दे रही थी और उनके मेटल हथियार उस दरवाजे पर खड़े इन्वेडर पर पॉइंट होने लगे। ये देखकर प्रेम ओबेरॉय ने घबराते हुए कहा, ओ माय गॉड, आखिर बनी अपने ये खिलौने यहां पर कब ले आया। फिर प्रेम ओबेरॉय ने कुछ ढूंढा और उसने रोबोट और मिथुन प्रताप के बीच में कुछ रख दिया ताकि वो किसी तरह की इंजरी को अवॉइड कर सके, क्योंकि वो जानता था कि अगर मिथुन प्रताप को कुछ हो जाता तो पूरा ओबेरॉय परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। जब प्रताप परिवार ने देखा कि उन रोबोट को कोई कंट्रोल कर रहा था तो सिर्फ वही नहीं बल्कि सारे ऑफिसर्स भी काफी हैरान लगने लगे। मान प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कमेंट करते हुए कहा, ये सब वाकई में काफी कूल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन रोबोट्स को वो बच्चा कंट्रोल कर रहा है। जब उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसे पता चला कि बनी के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल जैसा कोई डिवाइस था और जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की तभी अचानक मिथुन प्रताप ने जोर से उसके सर पर मारते हुए उससे कहा, उसका नाम बनी है, आखिर तुम बच्चा किसे बुला रहे हो। पिटाई लगने के बाद मान प्रताप ने तुरंत अपना सर पकड़ लिया और फिर उसने कंफ्यूज्ड लगते हुए पूछा, दादू आप मुझे मार क्यों रहे हो। मिथुन प्रताप ने गुस्से में मान प्रताप की तरफ देखा और फिर जब उन्होंने बनी को इस तरह माही को प्रोटेक्ट करते हुए देखा तो वो बनी से काफी इंप्रेस लगने लगे और इस वक्त उनके बोलने का तरीका पहले से भी ज्यादा नरम था और उन्होंने बनी से कहा, बनी बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत है। हम उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएंगे, हम यहां उसकी मदद करने आए हैं। मिथुन प्रताप की कही ये बात सुनने के बाद भी बनी के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला। वो पूरी तरह से अपने हाई अलर्ट में था और उसने अपनी छोटी सी बॉडी का इस्तेमाल करके आगे से माही को ब्लॉक करने की कोशिश की। उसके सारे रोबोट्स भी अपने स्टैंडबाय मोड पर रहे। ये देखकर मिथुन प्रताप के चेहरे पर एक लाचारी भरा एक्सप्रेशन छा गया। इस पॉइंट पर विक्रम ओबेरॉय उन सारे रोबोट को गुजरते हुए बनी के पास गया और उसने बनी के आगे बैठते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि माही मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। विक्रम ओबेरॉय की ये बात सुनकर बनी का पूरा अटेंशन उस पर पड़ गया और वो अपने पापा की तरफ एक उम्मीद के साथ देखने लगा। विक्रम ओबेरॉय ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम मिथुन दादाजी से पहले मिले हो, मम्मी भी वहां पर थी, क्या तुम्हें कुछ याद आया। जब बनी ने मम्मी शब्द सुना तो वो सीरियसली कंसीडर करने लगा और फिर उसने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। जब मिथुन प्रताप ने देखा कि बनी को याद था कि वो कौन थे तो वो काफी खुश लगने लगे। विक्रम ओबेरॉय ने अपने बेटे को समझाते हुए उससे कहा, मिथुन दादाजी मम्मी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मम्मी को इससे भी बेटर हॉस्पिटल में लेकर जा सकते हैं। जब बनी ने अपने पापा की ये बात सुनी तो हालांकि वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करने लगा था, मगर इसके बावजूद भी वो अपनी माँ ही मम्मी से दूर नहीं होना चाहता था। विक्रम ओबेरॉय ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बनी से कहा,
तुम अपनी माही मम्मी के साथ ही रहना और अभी मिथुन दादाजी के साथ जाओ, ठीक है? जैसे ही विक्रम ओबेरॉय ने बनी से ये कहा, तब बनी पूरी तरह से रिलैक्स लगने लगा और उसने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। और फिर ठीक उसी वक्त जिन रोबोट्स ने उस बेड को घेर लिया था, उन्होंने अपने सारे हथियार नीचे कर लिए और उन्होंने मिथुन प्रताप के लिए रास्ता बनाया। जब प्रेम ओबेरॉय ने ये देखा तो वो कंफ्यूजन के मारे पीछे से दरवाजे के अंदर आया और उसने मन ही मन में कहा, ये सब क्या हो रहा है भैया? ना ही सिर्फ प्रताप परिवार को माही भाभी को ले जाने दे रहे हैं, बल्कि वो तो बनी को भी उनके साथ जाने के लिए भेज रहे हैं। भैया अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बेटे को भी खुद से अलग कर रहे हैं। इस पॉइंट पर मिथुन प्रताप ने एक गहरी सांस ली और उन्होंने बनी से दोबारा बात करने की कोशिश करते हुए कहा, बनी बेटा इधर आओ, मिथुन दादाजी के पास आओ। बनी थोड़ा सा हिचकिचाने लगा और फिर वो फाइनली मिथुन प्रताप के पास चलकर गया। जब मिथुन प्रताप ने देखा कि किस तरह बनी ने अपनी माही मम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान लगा दी और उनके पास चलकर आते हुए बनी बार बार पीछे मुड़कर अपनी माही मम्मी की तरफ देख रहा था, तो उनका दिल जोर से दुखने लगा। फिर उन्होंने ध्यान से बनी को अपनी गोद में उठाया। बनी को मनाने के बाद मिथुन प्रताप ने अपने सोल्जर्स और मेडिकल पर्सनल को ऑर्डर किया कि वो पेशेंट को बाहर ट्रांसफर करें।